So it's almost the end of spring season, और मेरे जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स थे, दे आर डाइड, दे हैव डाइड. ओनली फ्यू ऑफ देम कैन बी रिट्राइव्ड, बट आई एम नॉट गोना डू समथिंग लाइक दैट. हाँ, जो काम हम इसमें से कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें से फ्लावर्स उतारने और इसके सीड्स हम नेक्स्ट सीजन के लिए सेव कर लें, एंड वी आर गोना डू दैट. एंड अदरवाइज, एंड द नेक्स्ट थिंग जो कि हम इनमें प्लांट करेंगे वो होंगे स्पाइडर प्लांट एंड स्नेक प्लांट्स. सो लेट्स जस्ट डू दैट क्विकली. द मीन टाइम वी विल ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ स्नेक लाइफ एंड स्पाइडर प्लांट. व्हाई शुड वी हैव देम? Do they only add beauty to your environment or do other things as well? Yes, they do other things as well. Like the cleaning your environment, the oxides in your environment, and other things as well. आपके घर में और कोई पौधा हो या ना हो, आपके बेडरूम में और कोई पौधा हो या ना हो, ऑल इन यू मस्ट हैव इन योर गार्डन एंड इन योर बेडरूम आर स्नेक प्लांट्स एंड स्पाइडर प्लांट्स. यू मस्ट हैव दिस. एंड आई थिंक दिस प्लांट इज हाईली रूट बाउंडेड. हाउएवर, और जो अगला काम हम करेंगे वो अब हम जा रहे हैं इको फ्रेंडली. मस्ट वो इको फ्रेंडली एंड मस्ट चूज सस्टेनेबल ऑप्शंस for ourselves, our gardens. We are going to use these trees and these plants as well because they are still good. You know that? So हम तीन ले लिए, इसको हम use करेंगे soil making में. Of our next planters for everything. इसमें भी कुछ फूल लगे हैं, वो हम उतार लेते हैं, उधर रख लेते हैं और इनको हम अच्छे से लगा दें. अच्छा, जो स्नेक प्लांट को ट्रांसप्लांट करने का तरीका होता है, रेडी लाइक सो इजी. वो सिर्फ इतना होता है कि यू हैव टू टेक एनी स्नेक प्लांट फ्रॉम एनीवेयर, इवन इफ इट इज अ लीफ और एनी अदर रूट और एनीथिंग. आप उसको सिर्फ एक कटिंग ले लें, आप पत्ता थोड़ा सा, पत्ते का थोड़ा सा पीस काट लें. वो थोड़ा ज़्यादा ही उनसे एक टाइम लेगा, but you can go snake plant from there. I do have a video on that on my channel as well. You can go watch that. And adding link in the description. And the other thing is, if the help, yes, you see this leaf, this is only the leaf. I'm gonna put it, and it will turn into a root. And आप इस तरह भी छोटे छोटे रूट जो साथ में इसके पप्स निकल रहे होते हैं, आप उन्हीं को डायरेक्ट जो सो करेंगे एंड देर टर्न इनटू न्यू प्लांट. ये होता है फायदा स्नेक प्लांट का, बिकॉज इट्स सो हार्ड दैट यू कैन इजीली दैट जस्ट यू कैन जस्ट बी सो इजीली प्रोपगेटेड. आपके पास अगर ये है ना, तो आप समझिए आपकी जो है ना हो जाती है रूट की, आपको पता करने की कोई जरूरत है. बिकॉज स्पेशली इन लाहौर यू मस्ट शोर दैट एनवायरमेंट और ना खराब हो गई है, पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो गई है और लेस सर्विंग और डेट. तो हमें सेहत के लिए इस हिसाब से बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, और हमें इस लाहौरियों को खास तौर पर, क्योंकि जिसके सामने इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, पोल्यूशन नॉट ओनली एयर पोल्यूशन बट लैंड पोल्यूशन एज वेल, तो हमें सबसे पहले तो प्लास्टिक का वेस्ट रहना पड़ता है. एंड वन सेंडिंग माई एवरी वीडियो अंटिल at least one of my followers of using plastic, that would be such a big win for me, literally. I'm not just saying it, and really regularly big win for me. I don't know what this was going rain maybe, I was poke man. I mean, every follower go green, just if he or she goes green, it will be such a huge and big achievement for me. And we simply do this. We have made this way. Like that. Snake plant is such a hard plant. You can grow it anywhere in the tree. The only thing I was scared about it is watering. So, ज़्यादा पानी नहीं देना. It can literally survive Sahara if you don't give it water or light or anything. But do not overwater. हाँ, light भी थोड़ी सी है, अभी भी नहीं रहा. But we can give it share. और जो मैंने एक चीज़ वॉक की, I kept it somewhere where I was struggling with insects. So I put it there, and you will not believe what happened. The environment there, I literally can feel that it changed, it bettered. And the other thing that happened was, there was a snake here. Oh, sorry, snake. Sorry. The insects thing. They just disappear in no time. Like,
I was really impressed. Not only me was impressed, but my mother was impressed. Because she cannot let me have too many plants at the same time. Achha, are you still trying to look at it? These or yeah, these are same leaves. This could be like something like this. So if this man is Kali, and I will show you, not in this movie, but I can, annually, you can see literally the serpent grows from this leaf. Okay, it will develop roots. Even this plant is working to clean your environment. You are putting in more. I don't think. Food and other things. Like, you should care about your health, your environment, now. Try to use public transport. I'm not hard, but you should suppose. The temperatures are all 20 years ago were way less than there now. Agar ab 40 degrees hai, it feels much hotter. The temperature here is 42 and 14. I know it is the hottest, it is a hot month, but what will happen in June, July and August, it's so hard to survive. So we have to change our environment. It's so easy, it's sustainable, it's not even expensive. इसमें क्या करना होता है कि इसके स्प्राउट्स हैं, इफ यू कैन सी लेट मी मेक इट क्लोज अप द कैमरा. ओके, इसके जो ये है इस पे यू हैव टू कीप इट मॉइस्ट. ठीक है, तो ये रूट्स को अलग अलग प्लांट्स पे लगे लग रही है और फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. मैंने इसको करने की कोशिश की थी, ये अच्छी वो चीज हियर इफ यू कैन नोटिस लिटिल रूट्स, तो आप इसको स्प्रे करें पानी. इसका जो फूल आता है ना, है छोटा सा होता है लेकिन इतना खूबसूरत होता है, इस कदर खूबसूरत होता है ये. बस मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, यू विल लाइक इट वंस यू हैव इट. इट इज नॉन अ स्पाइडर प्लांट, इट इज स्नेक प्लांट. सो आई हैव टोल्ड यू गाइस अबाउट दैट. आई हैव ज़ू ऑफ प्लांट्स एंड आई एम लविंग इट. आई लव एनिमल्स, बट आई कैन कीप देम, यू नो, दे आर हाई मेंटेनेंस एंड आई लव मेंटेनेंस पर्सन. सो आई हैव अ लो मेंटेनेंस हॉबी, यू कैन सी राइट हियर. ओके, दीज हैव रूट्स. द नेक्स्ट थिंग यू आर गोना डू इट, इसको इसमें डालें एंड टू इट्स प्लांटेड. अब आप इसको पानी करेंगे, अपनी जड़ें पकड़ेंगे. हाँ, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि यू कीप इट इन शेड, यू कीप इट इन सनलाइट. नाउ इट डजंट मैटर फॉर दैट, बट फॉर दिस इट मैटर्स. आपने इसको अपने पानी देना है, मॉइस्ट रखना है, नॉट सो मच, जस्ट कीप इन माइंड लेट द सॉइल ड्राई इन बिटवीन वाटर. और इसको शेड में रखना है, लाइक अंटिल यू सी न्यू ग्रोथ, और जितना भी टाइम आप रखना चाहें इट्स ऑन यू. लेकिन लाइक मिनिमम 10 डेज कीप इन शेड एंड देन यू विल बी ओके टू बी इन सन. ठीक है, तो ये मिक्स हो गई एंड यू कैन सी. और ये इतनी ग्रोथ देता है यार, इतनी ग्रोथ देता है. यू मस्ट हैव इट इन योर हाउस. इफ यू आर नॉट हैविंग इट इन योर हाउस, व्हाट आर यू हैविंग इट इन योर हाउस यार? व्हाई आर यू नॉट, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? आई डोंट. ठीक है, जस्ट keep doing this. You can use a scissor or knife or a tool set for that. Lekin yaar, I am easy working like that because I want to be near nature. No, I don't want to be near nature. I don't like countryside. I like countryside, but not the rural areas of Pakistan. I don't know why. Thodi der ke liye acha lagta hai, but for permanent, nah, I can't live there. So, lekin I like it like this. इसमें मुझे कोई ज्यादा वो नहीं पसंद, हाई मेंटेनेंस था मसला सारा ही है, बिकॉज आई एम नॉट हाई मेंटेनेंस. तो मैं इसको ऐसे यूज कर देती हूँ. हाँ, यू कैन यूज प्लांटर सेट, या हमारे पास अवेलेबल भी है इफ यू वांट दैट.
किसी भी वेबसाइट को आप जाके देख सकते हैं, वहां पे होंगी। ये मेरे पास जरा ज्यादा गीली मिट्टी थी तो इसको मैं दूसरी मिट्टी के साथ मिक्स कर लूंगी। तो अच्छा, जो टूल किट्स टूल्स सेट्स होते हैं उसमें आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। उसमें आपके पास आ जाएगा सीजर्स आ जाएंगी, कटर्स आ जाएंगे, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। आप उसको यूज करें, उसका एक वो बस इतनी सी बात होती है कि यू हैव टू यूज सेप्टिक्स और एंड देयर फाइन टू वर्क विद। ओके, अब अच्छा अब इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जरा थोड़े से बड़े हैं ना वो लू, सो इट विल बी इजियर फॉर देम टू ग्रो। अगर आप नहीं लेना चाहते जो थोड़े बड़े हैं उनको, आप छोटे वाले ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि ज्यादा छोटे, बहुत ज्यादा छोटे वो ग्रो ना करें। हाँ, बस ये आप थोड़ा सा भी इस एज पे पहुंच जाते हैं ना ये, तो इनमें थोड़ी बहुत रूट्स आप पानी नहीं भी देंगे ना, यानी कि प्लांट को पानी नहीं दे रहे, प्लांट को पानी दे रहे हैं, इनको रूट्स को पानी ना दे रहे तब भी ये ग्रो करेंगी। तो इट्स जो सो इजी कि आपने इसको करना है। एंड आई हैव क्रिएटेड 1, 2, 3 प्लांट्स। अभी बस 3 गमले और हैं एंड दीज आर एम्प्टी, सो आई हैव टू मेक सॉइल फॉर देम। और वो क्या करने लगी मैं, ये जो ये थे ये किसने काम आएंगे वाला, तो आई एम गोना ब्रेक देम एंड मेक द बेस ऑफ माई प्लांटर। डिड यू लाइक दिस आइडिया? अच्छा, अब आपने भरने होते हैं अपने अगर ग्रो बैग्स या फिर आपने अपने गमले भरने होते हैं, कुछ भी यार, जस्ट यूज दिस। आप इतनी मिट्टी पता है कितनी महंगी होती है तोबा, तो यूज इट। आप अपने किचन वेस्ट बचा के रख लें, अम्मी को जो भी किचन में काम कर रहा है उसको छिड़के छुड़के इधर डाल देना और आप वो कर लें, क्योंकि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और यार कूड़ा क्रिकेट इतना फैल फैल रहा है। पहले प्लास्टिक और ये चीजें, हमें अब ग्रीन वेस्ट भी होगा जो है वो वेस्ट करेंगे। लाइक वेस्ट वी नॉट ओनली कॉल देम बट वी एक्चुअली वेस्ट इट, नो इट्स गोल्ड फॉर प्लांट्स यार। और पहले भी जो आलूदगी वगैरह हो चुकी है, प्लीज और गंदा मत करें एनवायरमेंट को। जो चीज आप यूज कर सकते हैं, जो चीज आप रिसाइकल कर सकते हैं, जस्ट यूज देम प्लीज। इफ इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, रिप्रोड्यूस, और मतलब उसे दूसरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, दूसरी दफा इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट यूज डेट, यू रीडिजाइन डेट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज जो हमारी जरूरत है जिंदगी में और हम यार अब इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती, लाइक इफ यू आर अ सॉफ्ट ड्रिंक लवर एंड यू सेड यार बहुत ही प्लास्टिक बहुत ना, मैं लाइक नॉट लिबरल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेप्सी कोला वगैरह बायकॉट डेड हो गए, हम बायकॉट में, हम अपने फलस्तीनी बच्चों के साथ हैं। दूसरा जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी आ गए, हम आप यू से मैं नहीं छोड़ सकती ये वो, यू हैव टू गो समवेयर, यू रीडिजाइन इट। आप खुद कोई मार्केट में ऐसा आइडिया लाओ नहीं जिससे वो ना हो, नहीं तो आप जो शीशे वाली बोतलें होती हैं उसमें से पी लो, वैसे तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसान देती है। तो मैं यहाँ सेहत और एनवायरमेंट की बात करनी हूँ तो मैं आपको मशवरी देते अच्छी नहीं लगूंगी कि आप किसी और को दो, किसी और में पी लो किसी और चीज में, मैं आपको सिर्फ ये कहती अच्छी लगूंगी कि आप पियो ना, ठीक है? सो वी आर डन फॉर डेट, और ये हमारे पास तैयार हो चुके हैं और हमने बैठे बैठे बहुत सारी बातें सीख ली हैं और इन बातों पे हमें अमल भी करना है। और अब जो भी वीडियो आया करेगी उसमें एक लेसन हुआ करेगा आपके एनवायरमेंट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, एंड एवरीथिंग फॉर बेनिफिशियल। एंड यू मस्ट हैव टू शो मी योर प्रोग्रेस, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आज आपने क्या बेहतर किया एनवायरमेंट के लिए। डू टेल मी कि आपने आज क्या प्रोग्रेस की, कैसे की, क्या चेंज लेकर है। और यार ये सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करना, हमें अपनी जनरेशन्स के लिए करना है, जिन जनरेशन्स ने आना है, जो जनरेशन्स अब हमारे लिए छोड़ चुकी हुई हैं यार, जैसे भी छोड़ना था, लेकिन जिस जनरेशन में हम खुद रह रहे हैं हमें अपने लिए बेहतर करना है, हमें आने वालों के लिए बेहतर करना है, अपने बुजुर्गों के लिए बेहतर करना। उन्होंने छोड़ दिया यार, जैसा भी लाहौर हमारे लिए छोड़ना था, अब हमें बेहतर करना है, ठीक है? डू समथिंग जिस पर हम रश्क कर सकें।